बहुत ही अंतरंग देश भर में केवल संसद में पहचानी जाने वाली नहीं, घर घर में एक आदर के साथ, प्रेम के साथ अपनी है सुषमा जी। सुषमा जी तो अपनी है इस भाव से जानने वाली ये भारतीय जनता पार्टी और महिला मोर्चा का सौभाग्य है कि हमारे बीच आज भी सुषमा जी हैं। सुषमा जी का को माता पिता ने जन्म दिया, पाला पोसा। सुषमा जी को भारतीय जनता पार्टी ने भी सींचा है, अपने विचारधारा से सींचा है, कार्यकर्ताओं ने अपने खून और पसीना और स्नेह से सींचा है। ऐसी सुषमा जी को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ और बहुत बहुत सम्मान करती हूँ। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसा कि अभी बार बार कहा जा रहा था कि उन्होंने वर्ल्ड गिनी बुक में अपना नाम लिखवाया और एक ही समय में एक बार मेयर, विधानसभा की सदस्य और एमपी भी रही। ये तो उसकी ऐसी पहचान है निर्वाचित लोग, लेकिन इन्होंने अपने पद को बहुत ही मेहनत से, खून पसीने से सींचा है। बहुत ही संवेदनशील महिला है। ये महिला मोर्चा के लिए भी सौभाग्य की बात है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेताओं ने बहुत सोच समझकर, एक जिनमें जोश भी है लेकिन होश भी है, ऐसी महिला को अभी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। मैंने देखा तो था, जाना तो था, लेकिन इस अध्यक्ष को पढ़ा नहीं था। पिछले एक हफ्ते से मुझे समय मिला है और मैं इस आपकी प्यारी प्यारी अध्यक्ष को पढ़ रही हूँ और पढ़ते पढ़ते जो मुझे सब कुछ जो शब्द मिले हैं, विशेषण मिले हैं, मैं समय समय पर आपके बीच रखती रहूँगी। ऐसी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष को, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं भी बहुत बहुत उन्हें भी आशीर्वाद देती हूँ। मंच पर हमारी पदाधिकारी बहुत ही ऊर्जावान महामंत्री हैं, हमारी और पदाधिकारी हैं, इन्होंने जो सबने आयोजन किया है, हमारी उपाध्यक्ष लक्तिका शर्मा जी हैं और आप सब साक्षी बने हैं। महिला मोर्चा ने पहली बार हमारी बहनें इस नाम से एक पत्रिका का लोकार्पण करवाया है। सबको संबोधित करते हुए यहाँ उपस्थित हमारी बहनें मैंने नहीं कहा, क्योंकि आप सबके बीच एक सबसे नन्ही सी पत्रिका, नन्ही सी बहन जो आज ही जिसका जन्म हुआ है, वो भी हमारी बहनें। तो मैं इस हमारी बहनें को भी बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। महिला मोर्चा के द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन क्यों, आखिर इसके पीछे क्या उद्देश्य है? मुझे स्मरण हुआया 1980-81-82 में मैं सर्कुलर लिखा करती थी, जब उस समय ये सब लिखने नहीं आता था। कार्यक्रम का सर्कुलर सारे देश में भेजने के लिए लिखकर अडवाणी जी, कभी अटल जी किसी को भी दिखा दी, लंबा उसमें लंबी व्याख्या होती थी, लंबा लिखती थी। एक बार अडवाणी जी ने कहा, मृदुला जी इतना लंबा सर्कुलर में बातें आने की जरूरत नहीं। मैंने उनकी बात नहीं मानी, ये भी धृष्टता की,
वे प्रसन्न हो गए। मैंने कहा कि अभी हमारी नई नई बहनें नया मोर्चा सारे देश में सर्कुलर के माध्यम से भी विषय वस्तु के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रही। और ऐसा जब हुआ, जब मैं प्रवास पे जाने लगी, तो मैं बहनों आज आपको बताऊं कि बहनें उसी सर्कुलर की भाषा, पत्रक में जो भाषाएं जाती थी, जो स्क्रिप्ट होता था, वही बहनें बोलकर भाषण देती। और ये जब मैं सुनती थी तो आप सोच सकती हैं कि मुझे कितना रोमांच होता था, कितनी खुशी होती थी कि पत्रक के माध्यम से भी हम राजनीति में बहनों का प्रशिक्षण कर रहे हैं, विषय के महत्व को समझा रहे हैं। हमारे नेताओं का भाषण होता है, सुषमा जी निरंतर प्रवास करती रहती हैं, ये जो विषय रखती हैं, हमारे सब लोग, हमारी पार्टी के लोग सब प्रभावित होते हैं, इनके शब्दों को, इनके वाक्यों को भी ग्रहण करके फिर उसको बोलते। लेकिन एक लिखित पत्रिका के रूप में इसमें क्या क्या होगा, अभी बार बार हमारी दर्शना बहन, में भूल गई उनको आशीर्वाद देना, दर्शना बहन बार बार कह रही थी पत्रिका में क्या होगा। ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, हमारा उद्देश्य समाज का निर्माण है, हमारा उद्देश्य समाज की पहली धुरी महिला का निर्माण है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के आगे एक छवि है, एक कल्पना है, एक रूपरेखा है, हमारी महिला कैसी होगी, हमारी युवतियां कैसी होंगी, और उसके अनुरूप ही हमें कार्यक्रम करना। इसलिए जहां हम अपने समाचारों को उसमें प्रकाशित करेंगे इस पत्रिका में, वही जो हमारे विचार हैं महिला के बारे में, मुझे ये बात बताते हुए बहुत प्रसन्नता होती है। आज मैं लंबा नहीं बोलूंगी, फिर अवसर आएगा तो आपको पूरी कहानी सुनाऊंगी 33 वर्ष की यात्रा का। लेकिन एक केवल बात करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। प्रारंभ में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने कुछ नई नई बातें कही, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलना चाहिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि प्रस्ताव में सम्मान शब्द जब मैं लिखती थी तो अपने लोग को भी लगता था नहीं नहीं ये सम्मान उम्मान तो बहुत पुरानी बात है। अभी दिल्ली में जो दामिनी के साथ घटना घटी, मैं देख रही थी, सुन रही थी, आपने भी सुना होगा, महिलाओं के लिए सम्मान की मांग हुई। भारतीय जनता पार्टी अर्ध स्त्री और पुरुष के समानता के लिए अर्ध नारीश्वर में विश्वास करती। बहुत सारे बिंदुए हैं जो हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, हमारा प्रयास है, समय समय पर इस पत्रिका में समाचारों के साथ, तस्वीरों के साथ ये सारी चीज़ें हम छापते रहेंगे, जिससे सारे देश में महिलाओं का प्रशिक्षण हो। सरोज जी को इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगी कि ये उनकी कल्पना है। मैं भी पत्रिका प्रकाशन करती हूँ, लेखिका हूँ, इसलिए कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह, लेकिन बिल्कुल नहीं। मुझे प्रभारी बाद में बताया गया, सरोज जी से इस विषय पर मेरी बात नहीं हुई, लेकिन यह इस पत्रिका का प्रकाशन उन्होंने, उनका यह, उन्होंने, उनका प्रयास है, उनकी कल्पना है। हम सब लोग मिलकर इसको सार्थक बनाएंगे। सुषमा जी का आशीर्वाद, सुषमा जी की दिशा समय समय पर इस पर मिलती रहेगी और आप सबका सहयोग होगा। कुछ दिनों तक तो पत्रिका चलेगी, ठुमक चलत राम चंद्र बाज पैजनिया, ढाय माय गोद लेत दशरथ की रनिया। आप ही नहीं, यहाँ बैठी हुई सभी महिलाएं और देश भर में हमारी बहनें, महिलाएं, हमारे नेता सब ढाय माय बढ़ेंगे और पत्रिका चलेगी, हम अपना संदेश देश भर में फैलाएंगे। पुनः एक बार हमारी बहनें नन्हे शिशु को बहुत बहुत आशीर्वाद।